इसराइल हमास युद्ध की वजह से यमन का हूती इजरायली सेना को रफा में रोकने के लिए लगातार अरब सागर, हिंद महासागर और लाल सागर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर हमले कर रहा है। इसके अलावा हूती लाल सागर से सीधे इसराइल के ईलत शहर पर कई ड्रोन्स और मिसाइल हमले कर चुका है। हालांकि इनमें से अधिकतर हमलों को इसराइल और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने नाकाम कर दिया है। लेकिन अब हूती ने एक बार फिर से इसराइल पर हमला किया है। हूती का कहना है कि उसने इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन यानी ईलत पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हूती ने इसे फिलिस्तीन बैलिस्टिक मिसाइल का नाम दिया है। हूती का कहना है कि उसने ये मिसाइल कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायली सैन्य टारगेट के खिलाफ तैनात की है। हूती के प्रवक्ता याया सारी का कहना है कि ये मिसाइल ओम अल रशरश में मिलिट्री टारगेट पर दागी है। انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة وحققت العملية هدفها بنجاح। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली सेना का भी बयान आया है। इस हमले को लेकर IDF का कहना है कि 3 मई 2024 को लाल सागर में यमन की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल ईलत की तरफ दागी गई थी, जिसे इजरायल के लॉन्ग रेंज एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। IDF का कहना है कि ये मिसाइल हूती द्वारा दागी गई थी, जिसे एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया था। इजरायली सेना का कहना है कि एक जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल से हूती की मिसाइल को मार गिराया गया है। हालांकि इस हमले को लेकर ईलट में हवाई हमले के सायरन भी बज उठे थे और इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एरो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल का धुआं आसमान में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ईलट इलाके का है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हूती ने ईरान पर हमला किया हो। इससे पहले भी हूती ने इसराइल पर कई बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें और ड्रोन फायर किए हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर हमलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर नाकाम किया है।